हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ द 12 जुलाई 2021। ओके, सो हमारा पहला करंट अफेयर्स है आपका कि मोबाइल थिएटर ग्रुप जो है, सो ये एक्चुअल में एक तरह से कहा जाए तो ये एक ग्रुप ऑफ द पीपुल है। ठीक है, पहले जैसे सर्कस होता था वैसे ही है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। ठीक है, तो हमको इतने डीप में नहीं जाना है। हमसे क्वेश्चन आएगा कि मोबाइल थिएटर ग्रुप कहाँ पे है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये असम में है। ठीक है, तो ये मेघालय हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, ये सिक्किम हो गया। तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा? असम में मिलेगा। इस चीज को हमें बस ध्यान रखना है कि ये असम मिलता है। और अच्युत लहकर जो थे, मोबाइल थिएटर ग्रुप रिवोल्यूशन 1963 में इसको चालू किए थे। ठीक है, अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी जो है सो इसकी इकोनॉमिक कंडीशन अभी ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा, इसलिए क्योंकि कोविड-19 है, तो कम से कम 4,000-3,000 लोग जो है सो आते थे और देखते थे। मतलब कि एक में जितना पॉसिबल लोग आते हैं, ये पब्लिक पीपुल गैदरिंग है, तो पीपुल गैदरिंग अभी अलाउ नहीं है, लोग डर भी रहे हैं कोविड कारण। तो ये 2 साल से ये लोग बहुत ज्यादा चैलेंज फेस कर रहे हैं। और एक्चुअल में क्या है कि एक तरह से कहा जाए तो एक लोकल आर्ट है जो वहां की लोकल पीपुल के लिए है। तो अब ये अगर मान लीजिए कि खत्म हो जाएगा तो वहां के जनजीवन प्रभावित होगा, वहां का कल्चर प्रभावित होगा, तो इसको जो है सो बचा के रखना जरूरी है। ठीक है, तो असम गवर्नमेंट को इनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना चाहिए ताकि ये रन करे, चाहे जैसे भी रन करे। और दूसरा चीज ये है कि यह एक रोजगार का साधन भी है, क्योंकि कम से कम मान लीजिए कि 100 लोग या 150 लोग इस पे काम करते हैं, तो उन लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, उसके साथ में जो है सो इकोनॉमी का सर्कुलेशन हो रहा है। तो हमको ये क्या याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोबाइल थिएटर ग्रुप आपको कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो असम में, या रिसेंट न्यूज में था ऐसा कुछ आ जाए तो आपको याद रखना है। और इसका जो चालू करने वाले हैं अच्युत लहकर हैं। ठीक है, ये असम के रहने वाले हैं, इन्होंने चालू किया है, और जो है तो 1963 में इसको चालू किया गया था। ये असम का मैप है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है, एक छोटा सा न्यूज है, या फिर अगर कहीं असम पीएससी में अगर कोई है बंदा जो तैयारी करता है तो उसके लिए है ये बेस्ट। दूसरा अभी न्यूज में है आपका नागर होल जो है सो एक गांव है जो मुंबई के पास में है, और यह जो है सो आपका यहाँ के लोग अभी बहुत ज्यादा विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है उसके, चूंकि वहां पे बहुत ज्यादा लोड रहता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि एक ऑल वेदर और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है सो नागर होल में क्रिएट किया जाए, इसी के आसपास में है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा जो है सो वहां के लोग पीपुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में है, नागर होल जगह का नाम है, विलेज है, और ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का, अभी अगर न्यूज में आ जाए कि आपका जो है सो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के अल्टरनेटिव में किसको बना, कहाँ डेवलप किया जा रहा है, क्या नागर होल विलेज में जो है सो एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, अब उसका नाम जब होगा तब देखेंगे अपन। ठीक है, और ये जो है सो आपके जेएनपीटी के अल्टरनेटिव में है। तो आपका कांदला पोर्ट यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद में जो है सो यहाँ पे जो है सो आपका पारादीप वगैरह है, सॉरी पारादीप यहाँ पे, पारादीप यहाँ पे है। इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जो है सो पोर्ट यहाँ पे है, उसके बाद मर्मगांव है, ये मैंगलोर हो गया, ये कोची हो गया, ये तुतिकोरिन हो गया, ये चेन्नई हो गया, ये विशाखापत्तनम हो गया, ये पारादीप हो गया, और ये कोलकाता हो गया। ठीक है, तो इसको हार्बर के नाम से भी जानते हैं अपन। तो ये हमारे जो है सो मेजर पोर्ट है, तो आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए यहाँ से। तो इस चीज को जैसे आपका जैसे कोलकाता वाला वेस्ट बंगाल है, पारादीप वाला उड़ीसा में है, और उसके बाद में जो है सो आपका विशाखापत्तनम वाला आंध्र प्रदेश में है, और आपका जो है सो तमिलनाडु में दो है, चेन्नई और तूतीकोरिन है। उसके बाद में जो है सो आपका कोची जो है सो केरल में है, और जो है सो मैंगलोर जो है सो कर्नाटक में, मर्मगांव जो है सो गोवा में, जेएनपीटी जो है सो महाराष्ट्र में, कांदला जो है सो गुजरात में है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है हिमालयन याक के बारे में एक न्यूज आया है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि हिमालयन याक जो है -40 डिग्री तक टेम्परेचर को सह सकता है। कितना तक? तो माइनस जो है सो 40 डिग्री तक सह सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 0 से -40 के बीच में, 0 से 5-7 के बीच में बियर कर सकता है। ठीक है, दिक्कत क्या है कि टेम्परेचर बढ़ के अब 13 डिग्री 14 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री जो है सो हिमालयन रीजन में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज के कारण ये सारा चीज हो रहा है, तो उसके कारण जो है सो उसके जीन्स में परिवर्तन हो रहा है, या बाहर के इन्वायरमेंट परिवर्तन होने से उसके जीन्स में परिवर्तन होता है, उससे बहुत सारे जैसे डिजीज हो रहे हैं। ठीक है, तो मर रहा है, उसकी संख्या घट रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द नेशनल इंश्योरेंस जो है सो कंपनी लिमिटेड जो है सो जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर याक, तो ये दोनों साथ में आए हैं। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर याक बोला है आपका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, कि आप जो है सो एनआईसीएल को, कि आप जो है सो याक को जो है सो इंश्योरेंस प्रोवाइड करो। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड करोगे तो उस इंश्योरेंस के पैसा जो याक पालने वाली कम्युनिटी है उसको मिलेगी, और उससे उनको फायदा होगा, और याक पालने वाली जितने भी कम्युनिटी है
वो सारी की सारी जो है सो एक तरह से कहा जाए तो ट्राइबल और नोमाडिक कम्युनिटी है, ठीक है। और यह जो है सो मिलती है आपको लद्दाख में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। तो आप याद रखो कि ये हिमालयन रीजन है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक रीजन वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो लद्दाख पालने वाली कम्युनिटी मिलती है, ठीक है। तो अब मेन जो रीजन क्या है इसका, तो एक क्लाइमेट चेंज, एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दूसरा है कि डिजीज हो रहा है जिसके कारण इनकी संख्या घट रही है। और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्ट, तो इसको याद करना बहुत बड़ी चीज है, नेशनल रिसर्च सेंटर। और किसके लिए, तो एक्ट के लिए। हाँ, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी इनके कहने पे, ठीक है। अब यहाँ पे है कि याक रियरिंग कम्युनिटी के बारे में बात किया जाए तो चांगपा और जो डोकपा जो है सो लद्दाख और सिक्किम में मिलते हैं, जो लद्दाख को पालते हैं, इनको सॉरी याक को पालते हैं। और बोलते हैं कि ब्रोकपा जो है सो अरुणाचल प्रदेश में, ये नोमाडिक कम्युनिटी है जो याक को पालती है। अब इससे क्या होता है कि यहाँ से याक जो है सो बाकी जो टूरिज्म में भी याक को ले जाते हैं, टूरिज्म याक के साथ लोग फोटो खिंचवाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज कराते हैं, तो टूरिज्म का भी एक कंसर्न है, ठीक है। तो ओवरऑल न्यूज यही है कि इसमें आपको यही याद रखना है कि चांगपा और डोकपा जो है सो लद्दाख और सिक्किम में, और ब्रोकपा जो है अरुणाचल प्रदेश में याक रियरिंग कम्युनिटी है। और याक की संख्या क्यों घट रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और जो है सो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल रिसर्च फॉर याक, ये दो ये इतना ही और याद रखना है, ठीक है, इससे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंक्लूसिव सिटी सेंटर, ठीक है। नेशनल इंक्लूसिव सिटी सेंटर जो है आपका, ये जो है सो आपका एक तरह से कहा जाए, देखो आपका नाम से ही पता चल रहा है, इंक्लूसिव का मतलब कि इन डेप्थ इंक्वायरी करना, एक डेटाबेस इंक्वायरी करना और सबके लिए वायबल हो ऐसा प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट करना, ठीक है। तो यह जो सेटअप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत जो है सो, और यह बॉडी 1976 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स जो अर्बन अफेयर्स के लिए या तो रिसर्च करेगी या उनके लिए बढ़िया गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी, किसी टॉपिक को कुछ जानना है तो ये आपको गाइडलाइन और सारा चीज प्रोवाइड करेगी। इसने जो है सो एक इंक्लूसिव सिटी सेंटर एस्टेब्लिश किया है, तो जहां भी इंक्लूसिव वर्ड यूज होता है मतलब इनडेप्थ इंक्वायरी या वैसे लोगों पर फोकस करना जो अछूते रह गए, ठीक है। तो इसका भी यही काम होगा कि जो है सो इंस्टीट्यूट फॉर द स्ट्रेंथिंग एंड इंक्लूसिविटी, जो पुअर पीपल है, वोमेन है, स्लम है, पीडब्ल्यूडी है, जो नहीं देखे गए हैं अभी तक, इनको जो है सो यह वाली बॉडी देखेगी, इनके बारे में कुछ अच्छा काम करेगी, रिपोर्ट पब्लिश करेगी और अच्छा एक गाइडलाइन प्रमोट करेगी, ठीक है। तो इसमें जो है सो अब ये वाली जो बॉडी है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स जो है सो, जो 1976 में एस्टेब्लिश की गई थी, ये लागू कर रहा है आपका स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, हृदय हो गया, अमृत हो गया, तो ये सब जो है सो आपका अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड है, क्योंकि जो है सो ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स से ही रिलेटेड है। तो ये सारे अर्बन अफेयर्स के स्कीम है जो इसके अंतर्गत में आते हैं और ये देखती है, इसको 1976 में एस्टेब्लिश किया गया। इसी ने जो है सो इंक्लूसिव सिटी सेंटर जो एस्टेब्लिश किया है, उसका मेन काम है स्ट्रेंथनिंग एंड इंक्लूसिविटी ऑफ द पुअर, वोमेन, स्लम और पीडब्ल्यूडी को देखना और उनके बारे में सोचना है, उनके लिए अच्छा काम करना है, उनके लिए रिपोर्ट पब्लिश करना। तो इस करंट अफेयर्स में इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि जो है सो एनजीटी जो है सो आपका दिल्ली का और बाकी के जोनल बेंचेज हैं, ठीक है। तो जोनल बेंचेज कहाँ कहाँ पे है आपका, तो जोनल बेंचेज जो है सो आपका एक तो दिल्ली एनसीआर में है, ठीक है, दूसरा जो है सो पुणे जो महाराष्ट्र में है, तीसरा जो है सो एमपी भोपाल में है, चौथा जो है सो कोलकाता में है और पांचवा जो है सो चेन्नई में है। तो ये साउथ जोन है, नॉर्थ जोन है, ईस्ट जोन है, वेस्ट जोन है और सेंट्रल जोन है, ठीक है। तो याद रखने का है कि दिल्ली से सीधे नीचे चले जाओ चेन्नई, चेन्नई से उठो आप तो वेस्ट में पुणे चले जाओ, आप पुणे होते हुए जो है सो भोपाल आ जाओ, भोपाल से होते हुए कोलकाता चले जाओ, ठीक है। या फिर जो है आप ऐसा भी आप ट्री बना लो एक इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का ट्री बनाओ। तो यहाँ पे हो गया आपका एनसीआर दिल्ली हो गया, नीचे चेन्नई हो गया, इधर जो है सो कोलकाता हो गया और इधर जो है सो पुणे हो गया और यहाँ पे हो गया भोपाल, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको याद रखना हो। ये पांच बेंचेज है, पूछ सकता है एग्जाम में या आप कहीं मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो है सो 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि आपका जो है सो जो दिल्ली का ये नॉर्थ ब्रांच है ना, ये सेंट्रल ब्रांच है, मतलब कि जो है सो एनजीटी में जो ये नॉर्थ ब्रांच है ये क्या है, ये सेंट्रल ब्रांच है, ठीक है। तो इस चीज को अब जो है सो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि ऐसा नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि जो एनजीटी का जो एनसीआर ब्रांच है, मतलब दिल्ली का ब्रांच है, वो स्पेशल नहीं है, क्योंकि ये पांचों के पास में इक्वल पावर है, तो आप इसको स्पेशल कैसे बना सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको स्पेशल बनाओगे तो इसका एप्लेट यहाँ पे जाएगा, जबकि इसका एप्लेट या तो हाईकोर्ट में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंसर्न था, तो मद्रास हाईकोर्ट ने बोल दिया कि ऐसा नहीं है, मतलब कि एनजीटी दिल्ली एंड रेस्ट फोर ब्रांचेज आर इक्वल, ठीक है, दे हैव नो एनी स्पेशल स्टेटस ऑफ द एनजीटी दिल्ली, ओके नाउ। तो अब यहाँ पे क्या है कि मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दिया, तो ये हमारा हो गया कि एनजीटी के बारे में एक न्यूज हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में जो है सो
यहाँ पे बाकी जो ना हमारा इक्वल है ये हमने बता दिया आपको। एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में, ठीक है। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास में स्पेशलिटी नहीं था कि जो ऐसे इन्वायरमेंट रिलेटेड केसेस को देखें, और जब से इन्वायरमेंट का कंसर्न बढ़ा है क्लाइमेट चेंज का, तो बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास आने लगे थे। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा सरकार से रिक्वेस्ट किया कि भैया तुम एक काम करो, एक स्टेचुरी बॉडी है कुछ ऐसा बनाओ, एक ट्राइब्यूनल टाइप का बनाओ, तो जो इस चीज को देखो। तो अब जो है सो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है सो बना है, और जो है सो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 में बना था, और ये प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस पर वर्क करता है। ये जो है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 को फॉलो नहीं करता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सिविल सर्विस में या स्टेट पीएस में पूछ सकता है कि एनजीटी का जो ब्रांच है, एनजीटी जो वर्क करता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो आपका सिविल प्रोसीजर कोड 1908 पे वर्क करता है या नेचुरल जस्टिस पे, तो नेचुरल जस्टिस पे वर्क करता है, याद करना इसको। और एक्चुअल में एनवायरमेंट राइट टू लाइफ में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, अकॉर्डिंग टू जो है सो ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और गाइडलाइन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और जो है सो ज्यूरिडिक्शन का सुप्रीम कोर्ट, उसने ऑर्डर दिया था राइट टू लाइफ जो है सो किसी भी आदमी का जो है सो फंडामेंटल राइट है, तो इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो इसलिए जो है सो आपका राइट टू लाइफ जो है सो एनजीटी उसको प्रोटेक्ट करती है, कहीं भी होता है तो पेनाल्टी लगाती है। एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर होता है वो बाइंडिंग होता है, वो जो है जो ऑर्डर देगी उसको सरकार को मानना पड़ेगा या किसी प्राइवेट अथॉरिटी उसको मानना पड़ेगा। और इसका चेयरमैन जो है रिटायर सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो ये हम बता ही चुके आपको, और ये सारा चीज है। तो इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही न्यूज है कि इसका जो है सो चारों के ये चारों पांचों ब्रांच है उसका इक्वल पावर है, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है किसी के पास में। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट जो है सो यूनाइटेड नेशन इसको 2021 वाला पब्लिश किया है, ये 2020 की रिपोर्ट है, 2021 में आया है। तो उन्होंने कुछ चीजों को हाईलाइट किया है कि आपका जो पॉवर्टी जो है सो 20 साल में 119 मिलियन से 124 मिलियन हुआ है पहली बार 2020 में, ठीक है। अभी ये कम हो गया था, 116 के आसपास चला गया, फिर बढ़ते बढ़ते कोविड-19 के प्रकोप के कारण बढ़ गया है। और ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है सो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था 1700-1800 में, तो उसके पहले से अब तक मिला के 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और 1 से 1 मिलियन चिल्ड्रन जो है सो मिनिमम रीडिंग को भी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। वर्ल्ड में 1 से 1 मिलियन चिल्ड्रन बच्चे ऐसे हैं जो मिनिमम रीडिंग को भी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। अब वुमेन जो है सो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है, क्योंकि कोविड में लॉकडाउन लग गया तो पुरुष घर में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लफड़ा होता ही ज्यादा, मतलब कि वो ऐसा होने से, तो इसी कारण। इसके बाद में चाइल्ड मैरिज भी बढ़ा है, ठीक है। और ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान अभी जो है सो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, मतलब बहुत तेजी से नहीं हो रहा, जिसके कारण जो बहुत सारे गरीब देश हैं वहां पे वैक्सीन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो आपको याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो यूनाइटेड नेशन। और याद रखना है जब मेंस में कभी आपको आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन की, तो मतलब इस पे अगर कोई पॉवर्टी वगैरह लिखने के लिए आए तो इसको कोट कर सकते हैं कि जो है सो पॉवर्टी जो है सो 119 मिलियन से बढ़कर 124 मिलियन हो गया, 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। टेम्परेचर अगर कहीं आपको जो है सो क्लाइमेट चेंज से कुछ लिखने के लिए आए, तो आप इस रिपोर्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के हिसाब से वर्ल्ड का टेम्परेचर जो है सो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और अगर रीडिंग और एजुकेशन पे कहीं कुछ लिखने के लिए आया, तो आप यहाँ 1 से 1 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो मिनिमम रीडिंग लेवल को भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। वुमेन फेस्ट अगर वुमेन पे लिखने के लिए आए, तो इस कोड को इस रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट के हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है, चाइल्ड मैरिज भी बढ़ा है, और जो है ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान अभी मतलब कि बहुत तेजी से बढ़ नहीं रहा है। तो ये आप मेंस के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है। नेक्स्ट आपका इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, ठीक है। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक जो है एक तरह से कहा जाए तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में, ठीक है। तो IIELB जो है सो ये सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है कि IIELB किसके अंदर में आता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो देखो आप इंडिया इंडस्ट्रियल से रिलेटेड ना, तो इंडस्ट्रियल से जनरल कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो इंडियन इंडस्ट्रियल का मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जनरली जो है सो अगर मान लीजिए बिल्कुल नहीं आता है, तो आप इससे एक थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, तो ये आपको इससे याद रखना है कि लैंड बैंक तो जाहिर सी बात है कोई बैंक का काम कर रहा होगा। तो ये क्या काम करता है कि इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रियल पार्क हैं या अलॉटेड पार्क हैं, उन सबको जो है सो GIS मतलब कि जो है सो आपका जियो टैगिंग के हिसाब से, मतलब कि मैपिंग करके बकायदा मैप के साथ में इनके पास में है, ठीक है। और ये सारे इंडस्ट्रियल पार्क का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट को या प्राइवेट एंटिटी को कहीं भी जगह खाली है तो इसको पता है, कोई भी अगर आता है बाहर से FDI या इंडिया में कोई आदमी चाहता है अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना, गवर्नमेंट के पास जाता है लैंड के लिए, तो इसके पास बोलेगा हाँ ये जगह इतना खाली है, जगह इतना खाली है, आप यहाँ शुरू कर सकते हैं, आपका डिमांड क्या है। तो एक तरह से ओवरऑल प्रोसीजर क्या कर दिया, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, मतलब फास्ट कर दिया, तो लैंड का एफिशिएंसी बढ़ गया पहला चीज।
दूसरा चीज है कि अगर आप फास्ट तेज होगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, इंडिया की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा। तो समझ रहे हो, इसका ओवरऑल मतलब यही है कि जो है सो जीआईएस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो आपको जो है इजी वे में चीजों को ढूंढना आसान हो जाएगा। जैसे अपन गूगल में मैप यूज करते हैं वैसे ही कुछ है भी है, ठीक है। और ये जो है सो 2021 से इसका प्लान है कि पूरे होल इंडिया में जितने भी ऐसे लैंड है सबको इंटीग्रेट करके इस पोर्टल पर ले दिया जाए, ताकि कोई भी इंडस्ट्रीज खोलना चाहता है भैया तुरंत सर्च करे और जो है सो अपना इंडस्ट्री जगह देख करके जो जो रिक्वायरमेंट से आपसे इंडस्ट्रीज खोल सके, ठीक है। तो अभी तक इन्होंने 4000 इंडस्ट्रियल पार्क को मैप कर दिया है, ठीक है। तो लैंड बैंक जो है तो गवर्नमेंट एंटिटी और नॉन फॉर प्रॉफिट, जाहिर सी बात है पब्लिक के वर्क के लिए है तो नॉन फॉर प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है कि जब डूइंग हम बता चुके हैं बिजनेस बढ़ेगा, रिड्यूस द डिले जो हो रहा था, जो रेट टेपिजम था, जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, अरे हमको पता नहीं है अभी देखना पड़ेगा, यहाँ से मंगाना पड़ेगा, तुरंत यहाँ सामने है भैया, ज्यादा है तो प्रिंट मारो निकालो। उसके बाद में जो है सो लैंड की जो यूज इफिशियंसी बढ़ जाए, क्योंकि आइडल लैंड पड़ा है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें कंसर्न यही है कि जो ट्राइबल पीपल है उनकी बात नहीं सुनी जाती है, क्योंकि 44 अमेंडमेंट के हिसाब से 1978 में लैंड को जो है सो आर्टिकल जो है सो शायद मेरे ख्याल से 230 या 240 में रख दिया गया है, ठीक है। तो एक फंडामेंटल राइट ना ही हो गया, नॉर्मल राइट है, ठीक है। तो ये कंसर्न है। अभी क्या है कि आपका जो है सो रिसेंटली जो है सो मोदी जी ने जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेटिव बनाया है, ठीक है। तो उस पर एक आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सो 97 अमेंडमेंट 2011 के हिसाब से 19 में और 43 बी में, ठीक है, ऐड किया गया और कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। लेकिन कोऑपरेटिव का जो लीगल स्ट्रक्चर है वो 1904 में चालू हुआ, ठीक है, 1904 में इसको आया और 2002 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव आया, 97 अमेंडमेंट 2011 में कंस्ट्रक्शन लाइसेंस कर दिया गया। तो कभी भी अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर हो सकता है कि स्टेट पीएससी में मेंस में या फिर जो है सो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या फिर जो है सो आपके मेंस में लिखा जा सकता, पूछा जा सकता है, या प्रीलिम्स में भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इस तरह रिलेटेड अभी न्यूज में था तो ये फिगर आ सकता है 1904-2002 या 1997-2011, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या है कि अभी इसका काम क्या है, जो अभी मिनिस्ट्री बना है उसका काम क्या है कि प्लानिंग और जो है सो फोकस करना पॉलिसी पे, ताकि जो है सो एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी, चूंकि ये जो है सो कोऑपरेटिव जो स्टेट सब्जेक्ट में आता है और मिनिस्ट्री सेंटर का बना है, तो हो सकता है राइटर के हिसाब से, राइटर दो चीजें बोलते हैं। पहला चीज तो वो ये बोलते हैं कि ऐसा ना हो कि सेंटर जो है सो जबरदस्ती चीजों को थोपने लगे। सेंटर अगर प्लानिंग और पॉलिसी पर फोकस कर रहा है तो बढ़िया है, बढ़िया कोऑपरेटिव चलेगा। कोऑपरेटिव कोई एक जगह तो है नहीं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है, फिशरीज है और बड़े बड़े कोऑपरेटिव जैसे यूपको है, उसके बाद में अमूल दूध है, उसके बाद में जो है सो आपका वेजिटेबल के कोऑपरेटिव है, बहुत सारे लेवल पे कोऑपरेटिव है, ठीक है, पैक्स है, दुनिया भर का है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसका काम क्या है कि जो रेवेन्यू आ रहा है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, इक्वल वोटिंग राइट और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है हमेशा कोऑपरेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो सेंटर और स्टेट सब्जेक्ट में जो चीजें हैं और सेंट्रल कंट्रोल बढ़ेगा तो फिर इसमें क्लैशेस होने लगेंगे और एक्चुअल जो चीज है वो खत्म हो जाएगी। तो हमेशा एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, तो जो बेस है ना उसको पकड़ के चलना चाहिए कि उस एडिटोरियल में कितने वर्ड एक्चुअल में जो फैक्चुअल चीज है और जो वर्ड है, बाकी तो बोल बच्चे सब लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो फैक्चुअल वर्ड हमारा ये हो गया और जो एक्चुअल में कोऑपरेटिव इनके हिसाब से फोकस और प्लानिंग और पॉलिसी पर फोकस करे, स्मॉल और बिग कोऑपरेटिव है तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो अपन नॉलेज दे सकते हैं कि जो बिग कोऑपरेटिव में जैसे आपका इफको हो गया, स्मॉल कोऑपरेटिव जो है सो स्टेट लेवल पे, विलेज लेवल पे है, अर्बन और लोकल कोऑपरेटिव है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दिए। स्टेट सब्जेक्ट और इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिए, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट सेंट्रल अगर पॉलिसी प्लानिंग और एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है तो देयर इज अ बेटर वे टू वर्क, अदरवाइज अगर जो है सो सेंटर ज्यादा कंट्रोल करने के बाद डिक्टेट होने लगेगा तो फिर क्लैशेस हो जाएंगे, जो एक्चुअल चीज था जिसके लिए मिनिस्ट्री बनाई गई थी वो फेल्यूर हो जाएगा, ठीक है, इनके हिसाब से। उसके बाद में मार्केट शेयर और ट्रांसपेरेंसी, इफिशियंसी और कमांड अथॉरिटी। देखो तो यहाँ पे है कि इनका कहना है कि जो कमांड अब जो है सो ऐसा ना हो कि जो सेंट्रल कमांड अथॉरिटी देने लगे वो एक पॉलिसी गाइडलाइन प्रोवाइड करे बस, ठीक है। उसके बाद में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो है सो जो टेक्नोलॉजी आईसीटी का इन्वॉल्वमेंट हो कोऑपरेटिव में, ताकि और फास्ट वर्क करे, ट्रांसपेरेंसी आए, इफिशियंसी बढ़े, इस पे बात होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कोऑपरेटिव का केरला वगैरह में काफी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, तो वहां पे जो है सो ऑलरेडी चल रहा है उसमें हमें इन्फ्यूज करना है टेक्निकल को, ये नहीं कि जो है सो अपने मन से कुछ भी और कर रहे हैं और जो ज्यादा कंट्रोल करने की और पॉलिटिकल एजेंडा को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पूरा पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसका काम क्या है, कोऑपरेटिव का पॉवर्टी और फूड प्रोवाइड करना, पॉवर्टी खत्म करना, फूड लोगों तक पहुंचे, हाउसिंग हो, सोशल इक्विटी लोगों के बीच में आए, मतलब कि जो पैसे का जो बंटवारा है वो इक्विटी जो है सो बराबर हो, ऐसा नहीं कुछ लोगों के हाथ में पूरा पूरा चला जाए, उसी के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है।